वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेल इन्फोटेक में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद और आज का हमारा टॉपिक है सिंपल परचेज एंट्री। आप टैली के अंदर सिंपल परचेज एंट्री किस तरह से पास कर सकते हैं, हम आज आपको ये बताने वाले हैं। तो इसके लिए एक बार हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, जिसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है आपका गुड्स परचेज फ्रॉम आदित्य कॉरपोरेशन रुपीज़ 10,000 बाय कैश। यानी यहाँ पर हमने गुड्स परचेज किया है आदित्य कॉरपोरेशन से 10,000 का। ये हमारा सिंपल क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ पर जो गुड्स है इसके अंदर हमारे पास कोई क्वांटिटी नहीं है, ना ही गुड्स का नाम है, हमारे पास सिर्फ गुड्स है और हमने 10,000 का माल खरीदा है। बस हमें यही एंट्री पास करनी है। तो इसके लिए हमें जाना होगा अपनी स्क्रीन पर। तो इससे पहले आपको पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ, जिसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पर हमने कुछ लेजर्स लिखे हुए हैं और उनके अंडर्स दिए हुए हैं। अगर आपको लेजर बनाना नहीं आता तो आप हमारी पिछली वीडियो देख लीजिए, जिसके अंदर हमने लेजर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से डिफाइन किया हुआ है। इसके बाद आपको जाना होगा अपनी टैली स्क्रीन पर। इसके लिए आपको जाना होगा गेटवे ऑफ टैली पर। यहाँ पर आपके सामने ट्रांजैक्शन का एक ऑप्शन शो होगा और यहाँ पर आपके सामने वाउचर्स का एक ऑप्शन शो अप होगा। इसके अंदर जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने आपकी शॉर्टकट की शो हो रही है। जो भी वाउचर आपको ओपन करना है वो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप चाहें तो परचेज पे क्लिक कर सकते हैं या फिर F9 दबा करके आप परचेज वाउचर में जा सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने सप्लाई इनवॉइस, पार्टी का नाम और आपके सामने रेट क्वांटिटी वगैरह भी आपके सामने मांग रहा है। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि गुड्स परचेज फ्रॉम आदित्य कॉरपोरेशन रुपीज़ 10,000 बाय कैश। यानी कि हमने गुड्स खरीदा है आदित्य कॉरपोरेशन से 10,000 रुपये का। यहाँ पर हमारे सामने ना तो गुड्स का नाम है, ना ही उसकी क्वांटिटी है, ना ही उसका प्राइस है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर एंट्री पास करनी होगी सिंपल परचेज की। तो सिंपल परचेज के लिए आपको क्या करना है, आपको प्रेस करना है कंट्रोल के साथ एच। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ एच प्रेस करेंगे आपके सामने दो ऑप्शन शो होंगे, जिसमें पहला ऑप्शन आपका अकाउंटिंग इनवॉइस का होगा और दूसरा जो ऑप्शन होगा वो आपका होगा एज वाउचर का। तो यहाँ पर हम एज वाउचर को सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद आपके सामने एज वाउचर शो हो जाएगा, जिसके अंदर आपके सामने डेबिट एंड क्रेडिट का ऑप्शन शो होगा और यहाँ पर टू और बाय का ऑप्शन शो होगा। अगर आप चाहते हैं यहाँ पर टू और बाय की जगह यहाँ पर भी डेबिट और क्रेडिट शो हो, तो इसके लिए आपको प्रेस करना होगा F12। जैसे ही आप F12 प्रेस करेंगे यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा यूज डेबिट एंड क्रेडिट का, इसको आपको क्लिक करके यस करा देना है। जैसे आप इसे यस कर देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर क्रेडिट एंड डेबिट का ऑप्शन शो अप हो जाएगा। तो चलिए एंट्री पास करके देखते हैं। हमने लेजर्स पहले से ही बना रखे हैं तो इसके लिए हमको एंटर प्रेस करना है। यहाँ पर सबसे पहले आप सिलेक्ट करेंगे आदित्य कॉरपोरेशन को। आदित्य कॉरपोरेशन सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ भी टाइप नहीं करना, एंटर करके आपको सिंपल सेव कर देना है। यहाँ पर भी आपको एंटर करके सेव कर देना है और जितने का आपने आदित्य कॉरपोरेशन से परचेज किया था वो अमाउंट आपको यहाँ पर फिल कर देना है। तो यहाँ पर हम फिल कर लेते हैं 10,000 और इसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर परचेज अकाउंट अपने आप शो हो गया, क्योंकि हमने इसका लेजर पहले ही बना रखा है। इसको भी आप एंटर करके सेव कर दीजिए। जैसे आप एंटर करके सेव करेंगे यहाँ नीचे आपके सामने नरेशन ऑप्शन आ रहा है, तो इस नरेशन में आप फिल कर सकते हैं। जैसे मैं फिल कर देता हूँ बींग गुड्स परचेज बाय कैश, क्योंकि हमने गुड्स को कैशली माल खरीदा है तो हम यहाँ पर कैश लिखेंगे। एंटर करके आप इसको सेव कर दीजिए। हमारा पहला क्वेश्चन जो था वो सॉल्व हो चुका है। इसको देखने के लिए आप एक बार स्कैप करके पीछे जा सकते हैं। जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने डेबुक का एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पर क्लिक करके आप अपनी एंट्रीज देख सकते हैं, जो भी एंट्री आपने पास की है। इसके बाद बैक जा करके आप चाहें तो बैलेंस शीट चेक कर सकते हैं। बैलेंस शीट के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपकी करंट लायबिलिटी 10,000 शो हो रही है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस भी 10,000 शो हो रहा है। यहाँ पर करंट लायबिलिटी 10,000 इस वजह से शो हो रही है क्योंकि लायबिलिटीज़ का मतलब होता है उधार, यानी 10,000 रुपये का माल आपने जो भी खरीदा है वो अभी उधार खरीदा है, अभी आपने उस पार्टी को पेमेंट नहीं की है, इसलिए यहाँ पर 10,000 का आपके सामने अमाउंट शो हो रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो यहाँ पर 10,000 में आप लॉस में इस वजह से जा रहे हैं क्योंकि गुड्स आपने परचेज किया है, जब आप इसे सेल करेंगे तभी आप क्रेडिट में शो होंगे। इसके बाद बैक जा करके यहाँ से आप चाहें तो प्रॉफिट एंड लॉस में डायरेक्ट जा सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने परचेज और सेल दोनों ही शो करता है। अभी हमने सिर्फ परचेज कर रखा है तो यहाँ पर सिर्फ परचेज का ऑप्शन आ रहा है कि आपने 10,000 रुपये का माल खरीदा हुआ है और यहाँ पर नेट लॉस आपको 10,000 शो हो रहा है। तो चलिए एक बार दूसरी एंट्री पास करके देखते हैं। यहाँ पर हम जाते हैं वापस अपने वाउचर्स के अंदर और यहाँ पर एंटर प्रेस करने के बाद एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है गुड्स परचेज फ्रॉम कमल इंडस्ट्रीज रुपीज 9,500 बाय HDFC बैंक। यानी HDFC बैंक के थ्रू हमने 9,500 का माल खरीदा है। इसके लिए आपको जाना होगा वाउचर्स के अंदर। वाउचर्स के अंदर जाने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर लेना है कमल इंडस्ट्रीज। कमल इंडस्ट्रीज को लेने के बाद यहाँ पर एंटर करके इसको भी सेव कर दीजिए, जैसे हमने पिछली बार किया था, और यहाँ पर भी आप इसे एंटर करके सेव कर दीजिए। यहाँ पर अमाउंट डाल दीजिए 9,500। इसके बाद एंटर प्रेस करिए
एंटर प्रेस करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर परचेज अकाउंट वापस शो हो रहा है क्योंकि हमने इसका लेज़र पहले से ही बना रखा है। अब आप यहाँ पर देखेंगे परचेज अकाउंट के अंदर 19,500 का अमाउंट शो अप हो रहा है। क्यों? क्योंकि 10,000 का हमने पहले ही माल खरीदा हुआ है और 9,500 का हमने रिसेंटली अभी खरीदा है। तो इसके बाद हम इसको एंटर करके सेव कर देते हैं और यहाँ पर भी हम सेम उसी तरीके से नरेशन टाइप कर देते हैं। एंटर करके आप इसके एंट्री को भी सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन हमारा कौन सा है। तीसरा क्वेश्चन है गुड्स परचेज फ्रॉम पंकज प्राइवेट लिमिटेड ₹3,500 बाय चेक। यानी ये क्वेश्चन भी बिल्कुल एज इट इज उसी तरीके से है, हमें जैसे हमने बाय कैश रखा था यहाँ पर बाय HDFC बैंक रखा था वैसे हम लोग बाय चेक रखेंगे। तो इसकी एंट्री पास करके देख लेते हैं हम लोग। यहाँ से आप ले लीजिए पंकज प्राइवेट लिमिटेड। इसके बाद यहाँ पर अगर आप चाहें तो एंटर करके सेव कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो कंट्रोल ए भी दबा सकते हैं। कंट्रोल ए दबाने से होगा क्या, कंट्रोल ए क्विक क्रिएशन की शॉर्टकट की होती है जो आपको एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद यहाँ पर अपना अमाउंट डाल दीजिए। तो हमारा जो अमाउंट था वो था 3,500 का। इसको एंटर करके आप इसको भी सेव कर दीजिए और यहाँ पर आप नरेशन सेम एज इट इज उसी तरीके से लिख सकते हैं। एंटर करके आप इसको भी सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गुड्स परचेज बाय कैश ₹4,500। यानी यहाँ पर आप देखेंगे किसी भी पार्टी का नाम शो नहीं हो रहा, यहाँ पर हमने डायरेक्टली कैश के थ्रू जो भी गुड्स है वो परचेज किया हुआ है। तो ये एंट्री आपकी किस तरह से सॉल्व होगी, इसके लिए आपको सिंपल करना क्या है, यहाँ पर जाना है। अगर हमारे पास किसी पार्टी का नाम नहीं होता तो हम उसकी जगह रखते हैं कैश। तो कैश ले लीजिए। कैश लेने के बाद यहाँ पर कंट्रोल ए दबा दीजिए क्विक क्रिएशन के लिए और यहाँ पर आपका जो भी अमाउंट था, तो अमाउंट था हमारा 4,500 का। तो 4,500 यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं। 4,500 टाइप करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक वार्निंग आ गई नेगेटिव कैश की, क्योंकि आपके पास कैश है ही नहीं और आप माल परचेज कर रहे हैं। तो इसे अभी इग्नोर करते हैं हम लोग। इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने कैश के अंदर अमाउंट डाल सकते हैं। इसके लिए आप एंटर प्रेस करिए। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर परचेज अकाउंट ले लीजिए और यहाँ पर आप इसे सेव कर दीजिए इसी तरीके से। और यहाँ पर अगर आप नरेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं उसी तरीके से। बाकी मैं इसको अभी ब्लैंक छोड़ रहा हूँ और मैं इसको सेव कर दे रहा हूँ। सेम इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। परचेज ₹2,500 ऑन क्रेडिट। आप देखेंगे यहाँ पर सिंपल परचेज लिखा हुआ है, कैश भी शो नहीं हो रहा। यानी सिंपल परचेज ₹2,500 ऑन क्रेडिट। यहाँ पर ऑन क्रेडिट का एक ऑप्शन है। ऑन क्रेडिट का मतलब होता है उधार। यानी हम अभी फिलहाल जितना भी गुड्स परचेज कर रहे हैं वह सब उधार ही परचेज कर रहे हैं जब तक कि हम इसको पेमेंट नहीं कर देते। तो हमें करना क्या है, सिंपल उसी तरीके से एंट्री पास करनी है। यहाँ पर हम रखेंगे कैश, क्योंकि अब अगर हमारे पास कोई पार्टी नेम ना हो, ना ही कोई कैश या कोई मेथड हो या कोई भी पेमेंट का ऑप्शन हो, तो हम यहाँ पर सीधे कैश को रखते हैं। तो कैश ले लेते हैं हम लोग। कैश लेने के बाद यहाँ पर हम कंट्रोल ए दबा देते हैं और यहाँ पर हम जो भी अमाउंट था हमारा वो अमाउंट टाइप कर देते हैं। हमारे पास अमाउंट था 2,500 का, तो 2,500 यहाँ पर टाइप करके हम यहाँ पर भी इसको नेगेटिव कैश में दे करके एंटर करके सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद मैं आपको एक बार बैलेंस शीट दोबारा दिखा देता हूँ। जैसे हम बैक जाते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने बैलेंस शीट आ गई। बैलेंस शीट में जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने सबसे पहला ऑप्शन है सेम करंट लायबिलिटीज़ का। यानी आपको जो पैसा देना है वो देना है ₹23,000, जिसमें कि करंट एसेट्स ₹7,000 आपकी खुद की खर्च हुई है। अगर हम टोटल इंक्लूड करें तो 30,000 का हमने टोटल गुड्स परचेज किया हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में आप 30,000 में गए हुए हैं। यानी यहाँ पर आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है वो 30,000 का प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है। इसके बाद बैक जा करके मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस भी दिखा देता हूँ डायरेक्टली। तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर अगर आप देखेंगे तो परचेज आपने किया टोटल 30,000 का। इसके ऊपर एंटरप्रेस करेंगे तो यहाँ पर परचेज शो होगा। इस पर एंटरप्रेस करेंगे तो आपका यहाँ जिस मंथ में आपने परचेज किया होगा वो रेशियो शो होगा। इसके बाद एंटरप्रेस करेंगे तो यहाँ पर जितनी भी एंट्री आपकी शो, यानी जितनी भी आपने परचेज की एंट्री पास कर रखी हैं वो सारी एंट्रीज आपके सामने शो अप हो जाएंगी। इसके बाद आप स्कैप करके पीछे चले जाइए। ये थी हमारी सिंपल परचेज की एंट्री। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।